नगर निगम ने कराचादन से छूटे एवं भवनों के निर्माण में बढ़ोतरी करने वाली संपत्तियों के लिए जीआईएस सर्वे कराया है। कर निर्धारण 2011 से ही 11% निर्धारित है, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि सर्वे के आधार पर 88,159 चिन्हित भवनों को नोटिस प्रेषित की गई है। यह बातें नगर निगम के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी के द्विवेदी ने शुक्रवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि जो नए भवन बनाए गए हैं और उनका कराच्छादन नहीं हुआ है, ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसे आपत्ति हो वो अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका परीक्षणोपरांत ही उसका निस्तारण किया जाएगा। पी के द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष ही सर्वे के आधार पर इसे लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 2,29,000 भवन है। इसका सर्वे 2 कंपनियों से कराया जा रहा है। यह सर्वे 14 नगर निगमों में चल रहा है। बताया कि जीआईएस सर्वे द्वारा गृह कर में हुई बढ़ोतरी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है, जो प्राप्त कराई जाने वाली आपत्ति निस्तारण के उपरांत ही आगणित कर का बिल भवन स्वामी को प्राप्त कराते हुए सूचित किया जाएगा। जिन्होंने 2022-23 का गृह कर जमा कर दिया है, उनके द्वारा जमा गृह कर की धनराशि को घटाने के पश्चात शेष धनराशि को ही जमा करना होगा। नगर निगम प्रयागराज में विगत 3 वर्षों से जीआईएस सर्वे का कार्य किया जा रहा था। जीआईएस सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। जीआईएस सर्वे के उपरांत नए ऐसे घर जिन पर टैक्स नहीं लगा हुआ है और ऐसे घर जिनके परिमाप में वृद्धि की गई है, जिसमें बढ़ोतरी हुई है, गृहकर के उनको इसमें चिन्हित किया गया है। ऐसे 88,000 भवन चिन्हित किए गए हैं जिनके परिमाप में साइज में बढ़ोतरी हुई है, उनको चिन्हित करते हुए गृहकर का प्रस्ताव नोटिस के रूप में भेजा जा रहा है। ये बिल नहीं है, एक गृहकर का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर नागरिक को अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। नागरिक लिखित आपत्ति या जोन कार्यालय पर प्रोफार्मा रखा गया है, उस निःशुल्क प्रोफार्मा रखवाया गया है। पहले इस पर 10 रुपये शुल्क था, जो अब माननीय कारकांडी द्वारा उसको निःशुल्क कर दिया गया है। उस निःशुल्क प्रोफार्मे में भर के अपनी आपत्ति कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर नोटिस प्राप्ति के, और उस पर कर का आंकलन परीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। उसके पश्चात भवन स्वामियों को बिल भेजा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन भवन स्वामियों ने गृहकर जमा कर दिया गया है, अगर उनको नोटिस मिलती है, आपत्ति वो प्राप्त कराते हैं, तो उनका भवन कर आंकलित करते हुए उनकी जो धनराशि जमा की गई हो घटाने के उपरांत अवशेष धनराशि का अंतर का बिल उनको दिया जाएगा, जिस पर वो कर अपना जमा करते हैं। नहीं, मैंने लिखित रूप से मतलब ये जो चीजें हैं वो दिया है। तो देना पड़ेगा ये अब गृहकर प्रस्तावित हो रहा, लोग अपनी आपत्ति देंगे, लोग बताएंगे कि क्या आपत्ति, उनको किस तरह की आपत्ति है, उस पर निर्णय लिया जाएगा। आपत्ति के लिए कितने दिन का समय? 30 दिन का समय आपत्ति के लिए दिया जाता है। 30 दिन की समय अवधि होती है। सर टोटल कितने भवन? 88,159 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिन पर गृहकर की नोटिस जारी की जा रही है। कितना कुल भवन प्रयागराज में सर्वे जीआईएस सर्वे के अनुसार 2,29,000 हैं अभी हमारे यहाँ, जो मतलब उस पर डेटा पे दर्ज कराए गए। अच्छा, लाल कॉलोनी भी है, करेली में है, इस जारी की जा रही है। कुल भवन प्रयागराज में सर्वे जीआईएस सर्वे के अनुसार 2,29,000 हैं अभी हमारे यहाँ, जो मतलब उस पर डेटा पे दर्ज कराए गए। अच्छा, लाल कॉलोनी भी है, करेली में है और नैनी एरिया में भी है, वहाँ पर भी गृहकर जो है वो दिया गया है, नोटिस दिया है, हालांकि ये नगर निगम के उसमें नहीं आता है बिलिंग, काफी कंप्लेन आई है, उस पर क्या किया जाए? नहीं, जहाँ पर जो नगर निगम सीमा में होंगे उन्हीं पर नोटिस गई होगी, नगर निगम सीमा के बाहर तो किसी भवन पे जाती नहीं है। नगर नव विस्तारित जो क्षेत्र है अभी उनका सर्वे कराया जा रहा है, उन पर जब सर्वे कार्य पूर्ण हो जाएगा, गठन हो जाएगा वार्डों का पूर्ण। लाल भवन सरकारी भवन है, उसको देखा जाएगा, जो भी स्थिति होगी ज्ञात किया जाएगा।